थोड़ी सी बातों के लिए गोरखपुरिया भौजी किसी कोई ताना मार देता है कमेंट में तो रोने लगती हैं और बिलखने लगती हैं, लोगों को भी लगता है कि गोरखपुरिया भौजी सही है, लेकिन दोस्तों बहुत गलत है, बहुत खतरनाक डेंजर की राधा राज आर के रजनी कौशल, क्योंकि जब गोरखपुरिया भौजी इतना पैसा देकर स्ट्राइक मरवाई और किसी को कान। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं अपनी नई वीडियो में। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो दोस्तों। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि गोरखपुरिया भौजी चंदा भाभी के चैनल पर स्ट्राइक दी थी और तमाम सारे यूट्यूबरों के चैनल पर स्ट्राइक दी थी और हमारे चैनल पर भी स्ट्राइक आया था, जो कि मेरा दूसरा चैनल था उस पर स्ट्राइक आया था। अभी भी वो स्ट्राइक पड़ा हुआ है और अभी भी स्ट्राइक हटा नहीं है। और किसके नाम से आया था? आर के रजनी कौशल के नाम से आया था, लेकिन आर के रजनी कौशल ने नहीं दिया था स्ट्राइक। वो शायद हमको लगता है कि गोरखपुरिया भौजी ही दी थी, क्योंकि सभी के चैनल पर स्ट्राइक जा रहा था दोस्तों। यहाँ तक कि राधा राज आर के रजनी कौशल और ये क्या नाम है अमरनाथ SDK, इनके चैनल पे और एक स्ट्राइक नहीं भैया, 10-10 स्ट्राइक, 16-16, 20-20 स्ट्राइक पता नहीं लोग दे देते थे। हमको यह नहीं समझ में आता दोस्तों, एक स्ट्राइक देने में करीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं और लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है कि 15 स्ट्राइक 20 स्ट्राइक लोगों के चैनल पर दे देते हैं। यहाँ तक कि चंदा भाभी के चैनल पर जो स्ट्राइक दिया गया था, इधर हटाती थी इधर आ जाता था, इधर हटता था इधर आ जाता था, लेकिन वो तो भगवान का शुक्र रहा कि उनका चैनल बच गया और स्ट्राइक जो है हट गया। क्योंकि दोस्तों भगवान कुछ नहीं बिगाड़े थे, शायद हो सकता है उन्होंने कुछ गलती किया हो कि भगवान उन्हें सजा दिए थे, मुझे नहीं लगता कोई गलती किया था, लेकिन हो गया क्योंकि दोस्तों उनका चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया, बहुत नुकसान हुआ चंदा भाभी का और तमाम सारे यूट्यूबरों का भी हुआ, हमारा भी हुआ, क्योंकि हमारे वीडियो का रीच जो है बहुत अच्छा आता था, लेकिन जब स्ट्राइक हमारे चैनल पर आया उसी दिन से हमारा वीडियो जो है चलना बहुत कम हो गया दोस्तों। स्ट्राइक से बहुत इफेक्ट पड़ता है चैनल पर, जबकि खुद का कंटेंट था यार, फिर भी लोग स्ट्राइक दे देते हैं। बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, देने दीजिए, लेकिन वो लोग तभी सुधरेंगे जब भगवान उनको स्ट्राइक देगा। और पूर्ण विश्वास है भगवान पर कि आज जिसके साथ जो गलत कर रहा है उसके साथ जरूर गलत होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो होगा जरूर, क्योंकि जब गोरखपुरिया भौजी इतना पैसा देकर स्ट्राइक मरवाई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ, लेकिन आज उसी भगवान की कृपा से पता चल गया कि गोरखपुरिया भौजी ने स्ट्राइक दिया था, सभी यूट्यूबर जो उनको भगवान मानते थे, कितने लोग कितना सम्मान से देखते थे, सबसे ज्यादा यूट्यूबरों में आर के रजनी कौशल, SK कन्हैया और नेचुरल वर्ल्ड वाले चैनल है, बहुत सारे तमाम लोग हैं, राधा राज गोरखपुर हुए, बहुत सारे लोग जो है गोरखपुरिया भौजी के करीब थे, बहुत ज्यादा मान रहे थे दोस्तों, हद से ज्यादा मान रहे थे, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी हमारी शान है हमारी। और मैं अपनी पर्सनली अपनी बात कह रहा हूं दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी को मैं बहुत मानता था, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी हमारी इधर की हैं, हमारे गोरखपुर की हैं, हमारा भी जिला गोरखपुर पड़ता है, तो यार कौन नहीं मानेगा कि अपने जिला का कोई एक व्यक्ति, कोई एक महिला जो है इतनी काबिलियत पे पहुंच रही है, इतनी उड़ान भर रही है, तो कोई भी जरूर बहुत मानेगा। लेकिन दोस्तों जब असलियत जब पता लगता है तो थू आता है ऐसे लोगों पर, घिनौना आता है दोस्तों कि हमारे जिले के होकर ऐसे थू कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, थोड़ी सी बातों के लिए गोरखपुरिया भौजी किसी कोई ताना मार देता है कमेंट में तो रोने लगती हैं और बिलखने लगती हैं, लोगों को भी लगता है कि गोरखपुरिया भौजी सही है, लेकिन दोस्तों बहुत गलत है, बहुत खतरनाक डेंजरस डेंजर है, कहा जाए डेंजर खतरनाक, तो भैया बच के रहो गोरखपुरिया भौजी से, लेकिन वो खतरनाक हैं, ठीक है कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि उनसे भी खतरनाक बहुत लोग हैं, ठीक है ना। जब एक रस्सी एक धागा जब एक सूत का रहता है तो टूट जाता है, लेकिन जब वही धागा एक रस्सी बनता है तो उसको तोड़ने में उसका बाप भी आ जाए तो नहीं तोड़ पाता है। तो याद रखिएगा गोरखपुरिया भौजी और गोरखपुरिया भौजी की टीम वालों, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं गोरखपुरिया भौजी के चमचे कहेंगे, वो जान रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी गलत हैं, फिर भी उन्हें गलत बनाने से डर रहे हैं। यार रिकॉर्डिंग चंदा भौजी ने सुना दी, इससे बड़ी सबूत क्या है, कोई कैसे एडिट कर सकता है मेरे भाई, मेरा जो है रिकॉर्डिंग एडिट करके दिखाओ तो जानो, और चंदा भौजी ने ये दावा भी किया मेरा रिकॉर्डिंग करके दिखाओ तो जानो,
यार शर्म आता है। दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है, लोग जो है चंदा भोजी को गलत ठहरा रहे हैं, इसीलिए हम जो है आगे आए हैं। हम ना तो गोरखपुरिया भोजी की तरफ से हैं, ना चंदा भोजी की तरफ से हैं, किसी यूट्यूबर की तरफ से नहीं हैं। हम जहां गलत देखते हैं वही बोलते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बात गलत है कि सही है। और दोस्तों अगर सही रहेगा तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।